अम्बाला ए बेस स्टेशन के प्रशासनिक अधिकारियों को विमान के संचालन में पक्षियों की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पक्षियों के कारण पहले भी विमान क्षतिग्रस्त होने से बचा है, लेकिन राफेल लड़ाकू विमान के आने के बाद एयरबेस स्टेशन के नजदीक से पक्षियों को कैसे हटाया जाए, इसको लेकर प्रशासन व एयरफोर्स को काफी चिंताएं थी। कंटोनमेंट बोर्ड और सेना के बीच पक्षियों के मुद्दे को लेकर मंथन भी हो चुका है। अब कंटोनमेंट की ओर से सख्ती की जाने लगी है। इसी को देखते हुए अम्बाला के पंजोखरा रोड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया गया है। 70 लाख की लागत से तैयार किए जा रहे इस प्लांट को 20 जनवरी से चालू कर दिया जाएगा। इसके बाद एयरफोर्स स्टेशन के आसपास कोई भी कूड़ा डंपिंग प्वाइंट नहीं बचेगा। अब प्लॉट बनने के बाद वार्डो का करीब 18 टन कूड़ा बाहर जा सकेगा, जो कि पशु पक्षियों को भी दूर रखेगा। वार्डो में कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे लोगों को जाकर जागरूक करेंगे ताकि खुले में कोई खाना ना फेंके। इसके अलावा मैरिज होम स्कूली कार्यक्रमों को लेकर भी सख्ती की गई है। उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर पार्टी या कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो सफाई का ध्यान रखें। जो सॉलिड वेस्ट है, इसका मैनेजमेंट ऑफ डिस्पोजल का रूल चाहिए 2016 में, उसके तहत सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली आर्मी अथॉरिटीज का है, जिसमें कैनबोर्ड भी अपना योगदान दे रहा है। और इसके अंतर्गत एक 5 MLD का जो प्रोजेक्ट है वो लगाया जाएगा, सॉलिड वेस्ट प्लांट, जिसमें जो भी कूड़ा कचरा है शहर का वो वहाँ पे डिस्पोज ऑफ करा जाएगा, और जो कोई भी गंदगी जो है वो शहर में ना फैले और कोई भी डंपिंग साइट ना बने, उसके लिए हम बना रहे हैं, इसको लगाया जा रहा है इस प्लांट को। और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसको भी रिसाइकिल तरीके से यूज़ करा जा सके, जो जो इंडस्ट्रीज उस प्रोडक्ट को ले लेती हैं वो उसको यूज़ कर सके, उसका प्रॉपर सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने का अलग अलग तरीका हो, सेग्रीगेशन किया जा सके। तो इस दृष्टिकोण से ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। जो मेजॉरिटी जो अमाउंट है वो आर्मी अथॉरिटीज द्वारा ही इसको बियर किया जा रहा है, और जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो उसके बाद कैनबोर्ड की जिम्मेदारी मेनली इसको चलाने के लिए रहेगी। कैनबोर्ड जिम्मेदार है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए शहर में, तो उसको बनाने के बाद जो चलाने के लिए आगे वर्षों में चलाया जाएगा तो वो कैनबोर्ड के बिहाफ पे इसको चलाया जाएगा। उससे इसको आप इस संदर्भ में जोड़ सकते हैं कि क्योंकि राफेल के बारे में जब भी कुछ कंसर्न्स थे एयरफोर्स के, वो ये थे कि जो कूड़ा कचरा है उसको देख के बर्ड्स वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, अगर कूड़ा कचरा ओपन में होता है तो, और वो जो बर्ड्स होते हैं वो जो राफेल है या कोई भी जो उनका विमान होता है वो उसकी कहीं ना कहीं उसको चोट पहुँचा सकते हैं या उसको उसकी गति को रोक सकते हैं। तो उसके लिए अगर ये प्लांट वहाँ पे लग जाएगा जिसमें कूड़ा कचरा ओपन में नहीं फैलेगा, तो नेचुरली जो उनके भी उनके विमान है या राफेल है उसको भी क्षति नहीं पहुँचेगी। इस महीने से कोशिश करेंगे इसको ऑपरेशन कर दें, जनवरी के महीने में इसको ऑपरेशन कर दें। मिली जानकारी के अनुसार कूड़े को कंपोस्ट करके प्लास्टिक और सामान्य कूड़ा अलग किया जाएगा, फिर प्लास्टिक को अलग करके बाकी कूड़े से पाउडर तैयार किया जाएगा ताकि सीमेंट फैक्ट्री में इस पाउडर को फ्यूल में इस्तेमाल किया जा सके। पंजाब के सिटी टीवी चंडीगढ़ के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।